हेलो डियर, पॉलीनोमियल के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पॉलीनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं और किसी भी पॉलीनोमियल का जीरोज होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी पॉलीनोमियल का जीरोज क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कि एक डिफिनेशन लिखा हुआ क्लियर कि ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर कोई भी एक पॉलीनोमियल है इन वेरिएबल ऑफ एक्स 2x+5, 2x+ में क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, या 2x+ से बोल सकते हैं कितना, 10, 2x+10, ये एक पॉलीनोमियल हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल। अब क्या कह रहा है कि ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। यानी इस पर आप लोग गौर कीजिएगा, पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो और पॉलीनोमियल आपका था कैसा, तो पी एक्स पॉलीनोमियल था इन वेरिएबल ऑफ एक्स। तो जहां पर आपको अभी एक्स दिख रहा होगा उसके जगह पर क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है। यानी पॉलीनोमियल में एक रियल नंबर, ठीक है, पॉलीनोमियल में एक रियल नंबर, पॉलीनोमियल में जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसके जगह पर एक ऐसा रियल नंबर पुट किया जाए जिससे कि उस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब उसी रियल नंबर के वैल्यू, तब उसी रियल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉलीनोमियल का जीरोज बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हो गया अगर पी एक्स इक्वल टू 2x+10 लिखा हुआ है तो इस 2x+10 में x के जगह पर, इस 2x+10 में x के जगह पर कौन सा रियल नंबर पुट किया जाए, क्या पुट किया जाए कि इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो मिले हमको, तब जाकर के उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉलीनोमियल का जीरो बोलेंगे, इस पॉलीनोमियल का जीरोज बोलेंगे। जीरोज का देखिएगा और भी नाम होता है क्या सब, इसको हम लोग जीरोज बोलते हैं, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलीनोमियल बोलते हैं, जीरोज, या फिर रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल बोलते हैं, रूट्स ही बोलते हैं इसको, या फिर इसी का एक और नाम होता है पोल्स, ठीक है, पोल्स ऑफ द पॉलीनोमियल बोलते हैं। ये तीन नाम इसका होता है, जीरोज, सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल। तो यही मतलब हो गया कि किसी भी पॉलीनोमियल में हम लोग वेरिएबल में क्या पुट करें, वेरिएबल के जगह पर क्या पुट करें कि उस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए। कल हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पढ़े थे, उसमें हम लोग यही देखे थे किसी पॉलीनोमियल में वैल्यू, किसी पॉलीनोमियल में वेरिएबल के जगह पर जो हम लोग पुट करने के बाद पॉलीनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर उससे थोड़ा सा और आगे सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा और उससे आगे सोचना पड़ता है ये कि उस वेरिएबल में क्या पुट करें, उस वेरिएबल के जगह पर क्या पुट करें, उस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, तब जाकर के उसी वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बोलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 2x+10, तो इसमें क्या करते हैं कि एक्स की जगह पर, ठीक है, एक्स की जगह पर हम लोग 5-5 पुट करते हैं। तो x से जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, -5 पुट करते हैं, तो पी ऑफ -5 इक्व टू 2 × -5+10 हो जा रहा है, देयर फोर -10+10 इक्व टू 0 हो जा रहा है। यानी यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि सर x के जगह पर -5 पुट कर रहे हैं, x के जगह पर -5 पुट कर रहे हैं, तो इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तब जाकर के हम लोग इसी -5 को क्या बोलेंगे, इसी -5 को इस गिवन पॉलीनोमियल का जीरोज बोलेंगे, इसी -5 को इस गिवन पॉलीमेल का जीरोज बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा सर, आप यहाँ पर मतलब कैलकुलेशन क्या बोलते हैं, पॉलीमेल लिनियर लिए और बहुत यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि ये +10 है तो ये वाला टर्म -10 होगा तो जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक का या फिर क्यूबिक का, तो वहाँ पर हम लोग इस तरह से कैसे पता कर पाएंगे। तो फाइनली आप ये जानना चाह रहे होते हैं कि हम लोग पॉलीमेल का जीरोज फाइंड कैसे करेंगे। तो हम लोग पॉलीमेल का जीरोज फाइंड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चालाकी करना पड़ेगा, वो क्या कि यहाँ पर पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या जीरो करना रहता है। ठीक है, इसमें पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो लाना रहता है। ठीक, तो अब जरा इसी को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर आपको एक्स का वैल्यू पहले नहीं पता है और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और आपको इतना तो पता है कि इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, तो ऐसा करते हैं कि इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू पहले हम लोग जीरो सपोज करके चलते हैं कि आएगा। ठीक है, जैसा कि पॉलीमेल क्या दिख रहा है 2x+5, तो गिवन पॉलीमेल जो कुछ भी रहेगा, चाहे वो लिनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, उसके इक्वल टू हम लोग जीरो लिख लेंगे, उसके इक्वल टू जीरो लिख लेंगे, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर x का वही वैल्यू आएगा जिस पर कि इस पूरे पॉलीमेल का वैल्यू क्या जीरो होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, वैल्यू जीरो लेकर के चलेंगे और वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, दैट्स क्लियर। देयरफॉर यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू इस साइड आपका क्या हो जाएगा, 2x -5 होगा, सॉरी 10 था तो 10 करते हैं, 2x -10 हो जाएगा। देयरफॉर कि x -10/2 दैट इज 5, देयरफॉर x -5, देखिएगा
जो वहां पर हम लोग माइनस फाइव पुट किए थे उसी तरह से यहां पर x का वैल्यू माइनस फाइव आया क्या? उसी तरह से यहां पर x का वैल्यू माइनस फाइव आ गया। अब क्या करते हैं कि इसी x की वैल्यू को आप इसमें पुट करके चेक कीजिएगा, इसी x के वैल्यू को इसमें पुट करके चेक कीजिएगा, दैट इज इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू आपका जीरो आएगा। देयरफॉर दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। देयरफॉर आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं क्या कि इस तरह से आप लोग किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल का वैल्यू यहां से जीरो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया जाए कुछ इस तरह से, पॉलीनोमियल इन वेरिएबल ऑफ y 2x-3 यह पॉलीनोमियल दिया गया और यहां से पूछा गया क्या इस पॉलीनोमियल का जीरो क्या होगा, यानी इस पॉलीनोमियल का सॉल्यूशन क्या होगा, इस पॉलीनोमियल का सॉल्यूशन क्या होगा या फिर इस पॉलीनोमियल का पोल्स क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ नहीं करना रहता, बस हम लोग ऐसा यहाँ पर चालाकी करते हैं क्या कि 2x-3 इक्वल टू जीरो कर देते हैं। वो इसलिए हमको पता है कि पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आना चाहिए, तो पहले जीरो लिख लेते हैं, उसके बाद वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देयरफॉर कि 2x इक्वल टू प्लस में 3 हो जाएगा, सेट आएगा तो, एंड x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो यहां से आपको जीरो के बारे में पता चल गया, इसी x के वैल्यू को, यानी इसी x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं ऑफ द पॉलीनोमियल, इसी पॉलीनोमियल का जीरो बोलते हैं किसी x के वैल्यू को, जो कि कितना है 3/2 आया। अब जो है आप चेक करके अगर देखना चाहते हैं कि सर 2x-3 ठीक है, x के किस वैल्यू पर इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, दैट इज आपका यह अपर आपका यहाँ पर यह क्या डिफिनेशन ये कर, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। यानी इस एक्स के जगह पर आप अगर 3/2 पुट करते हैं तो 2 × 3/2 - 3 2 कैंसिल, दैट इज 3 - 3 इक्वल टू जीरो। इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। किस एक्स के किस वैल्यू पर, एक्स इक्वल टू 3/2 पर, x इक्वल टू 3/2 पर इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया। इसी 3/2 को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल बोलेंगे। और ये हम लोग तो अचानक पता किया नहीं, ये हम लोग चालाकी से पता किए कैसे, इक्वल टू जीरो करके। यहां तक हम लोग बात करें लीनियर पॉलीनोमियल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल का सीख गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बात करते हैं क्या क्वाड्रेटिक का फिलहाल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को देखिएगा यहां पर, अगर हम एक एग्जांपल लिखें एक्स स्क्वायर, अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पर पॉलीनोमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आपका एक यहां पर लिखा हुआ है पॉलीनोमियल, और यहां से आपको इसका जीरोज पता करना है। ठीक है, इसका क्या पता करना है, जीरोज पता करना है। जीरोज पता करना में इसका एक्स का कौन सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, एक्स का कौन सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि इस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए। तो इसके लिए हम लोग एक चालाकी क्या करते हैं कि पहले ही यहां पर इक्वल टू जीरो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहां पर इक्वल टू जीरो सपोज कर लेंगे। अब इसके बाद आपको पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लास 9 आप लोग पढ़े होइएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस 4x को क्या लिखेंगे, 4 × x² यहां से दिख रहा होता, दिस इंटू दिस 4x², 4x² को हम लोग कैसे लिखेंगे कि प्लस या माइनस करने के बाद, यहां से इसको दो टर्म लिखेंगे, प्लस और माइनस करने के बाद माइनस 4x आ जाए, प्लस या माइनस करने के बाद माइनस 4x आ जाए, या फिर उसी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4x² आ जाए। इसको हम लोग माइनस 2x एंड माइनस 2x लिख सकते हैं। तो आपका यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, एंड x यहां से कॉमन आएगा इन द ब्रैकेट x माइनस 2, माइनस 2 यहां से कॉमन आएगा इन द ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, दैट इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, दैट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2। तो यहां पर x का दो वैल्यू आ गया, 2 एंड 2 दोनों सेम वैल्यू है, x का दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू आपका अलग अलग भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ दो वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हमेशा दो जीरो जाएगा। ठीक है, आज के बाद याद रखिएगा कि सर लीनियर पॉलीनोमियल का एक जीरो जाता है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का दो जीरो जाता है। ठीक है, और क्यूबिक का 3 जीरो जाएगा, ये बात फिक्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक यहां पर आपको क्या क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मतलब यहां पर 2 फैक्टर बनेगा, इस तरह से 2 फैक्टर बनेगा। ठीक है, क्यूबिक में आपका 3 फैक्टर बनेगा, क्यूबिक में आपका 3 फैक्टर बनेगा, लीनियर में
बस सिर्फ एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आ जाता है इसे। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने के बाद आपको वहां से एक्स का दो वैल्यू दिखेगा और उसी दोनों वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे कि उस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज है, उस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज है। नाम से क्या दिख रहा है, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, मतलब उस वेरिएबल में क्या पुट करेंगे कि उस पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी क्या, जीरोज बनाने वाला वैल्यू। ठीक है, जीरो बनाने वाला वैल्यू, पॉलीनोमियल को जीरो बनाने वाला वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल बोलेंगे। ठीक, यानी यहां पर से क्या आ चुका है, एक्स इक्वल टू टू, अगर इसमें पुट करके देखिएगा उसका वैल्यू जीरो आएगा। ये हो गया चालाकी से फाइंड करने का तरीका। ठीक है, अब देखिएगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर यहां से आपको कुछ अलग आगे आपको कुछ यहां पर टेक्निक बताएंगे। ठीक है, देखिएगा अगर हम लिखते हैं क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस में थ्री, क्या इसका फैक्टराइज हो पाएगा, थ्री एक्स माइनस अगर टू एक्स कर दिया जाए, टू एक्स और यहां पर माइनस थ्री कर दिया जाए, चलिएगा। तो क्या काम करते हैं कि इसको सबसे पहले इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, चूंकि हमको पता है क्या इसके इक्वल जीरो ही आएगा, पहले जीरो लिख लेते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको सिखाने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, चूंकि आप लोग क्लास टेन बहुत ही क्वेश्चन पर बनाए होंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। अब क्या काम करें, देखिए इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा, थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स आपका माइनस टू एक्स हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इस कॉन्स्टेंट और इस को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, मतलब तक सही है। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री प्लस वन यहाँ से कॉमन आएगा और एक्स माइनस थ्री ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो, देन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है, दो फैक्टर दिख रहा है, यहाँ से दो वैल्यू आएगा एक्स का। ठीक है, एक एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे और एक एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे, देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया है एंड एक्स इक्वल टू थ्री। तो अब यहाँ से आपको यहाँ पर दिख रहा है सर, एक्स का दो वैल्यू आया, एक माइनस वन आया और एक थ्री आया, क्या ये दोनों वैल्यू इसका जीरोज कहलाएगा? यस सर, ये दोनों वैल्यू इसका जीरोज कहलाएगा, चूंकि आपका ये जो पॉलीनोमियल है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है मतलब इसका दो फैक्टर बनेगा, दो फैक्टर जैसे बनेगा और हम लोग जीरो के इक्वेट कर रहे होते हैं तो वहां से आपका एक्स का दो वैल्यू आएगा। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है, अगर आप इस एक्स के वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, इस गिवन पॉलीनोमियल में अगर आप एक्स के वैल्यू को पुट करते हैं, एक बार माइनस वन को और फिर एक बार थ्री को, अगर माइनस वन पुट कीजिएगा तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस थ्री, और ये आपका कितना हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो माइनस वन, तो फिर आपका ये हो जाएगा वन प्लस टू माइनस थ्री, दैट इज जीरो, वन प्लस टू थ्री और माइनस थ्री जीरो, मीन्स ये जो एक्स का वैल्यू माइनस वन है, यहाँ से ये वैल्यू कैसा मिल रहा है आपको, जीरो मिल रहा है, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल एंड ऑल्सो एक्स इक्वल टू थ्री इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, बिकॉज यदि आप चाहते हैं इसको से पुट करने के लिए तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इंटू थ्री और माइनस थ्री करते हैं, ये नाइन हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस थ्री, दैट इज नाइन माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, यानी इस वैल्यू पर भी और इस वैल्यू पर, दोनों वैल्यू पर ये जो गिवन पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देयरफॉर दीज वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलीनोमियल और रूट्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल और पोल्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो इस तरह से हम लोग सीख गए क्या, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल होता क्या है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल और कोफिशियंट ऑफ पॉलीनोमियल के बीच रिलेशन क्या है, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल और कोफिशियंट ऑफ पॉलीनोमियल के बीच का रिलेशन क्या है। मीन्स ये कि यहाँ पर जो आपका आया है एक माइनस वन और एक थ्री आया है, इस तरह से दो जीरोज आया है, एक वन एक माइनस वन और दूसरा थ्री आया है। उसके बाद यहाँ पर कोफिशियंट क्या क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट दिख रहा है, यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट दिख रहा है और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहा है। तो इस दोनों और इस तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है,
क्या रिलेशन हो सकता है, सो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिलहाल आप यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ आप लोग सिखा देते हैं कि जो कि आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, इस चीज़ को आप लोग उल्टा भी सोचिएगा, ठीक है। इस चीज़ को उल्टा, यहाँ से क्या था कि एक्स का वैल्यू फाइंड किया, मिस क्या इस गिवन पॉलीनोमियल का जीरो फाइंड किया, अब इसको जरा उल्टा सोचिएगा ऐसे करके, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कि सर एक्स इक्वस टू, इसमें सोचिएगा, ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, इसमें सोचिएगा कि एक्स इक्वस टू दो वैल्यू दिया हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। एक्स का दो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन, अब आंसर को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, आंसर को क्वेश्चन बनाना है, ठीक। एक्स इक्वस टू दो वैल्यू दिया हुआ है, एक माइनस वन एक थ्री, तो एक्स इक्वस टू माइनस वन दिया हुआ है, इसके बाद वाला स्टेप क्या हो सकता है सर, इसका मतलब ये है कि एक्स इस साइड रहा होगा प्लस वन में, तभी उधर गया होगा तो माइनस वन हो गया होगा, मीन्स ये ठीक, इसका मतलब सर फैक्टर के फॉर्म में रहा होगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। जब यहां तक सोच लिया सर, उसके बाद सीधे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे आपका ये पॉलिनोमियल बनेगा। इसको बस इतना रखते हैं, ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में इसको इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, और हम लोग क्या देखें रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल।